Achtung! अगर कोई विकास कार्यों को लेकर ध्यान आगे वो कौन से काम है पाइपलाइन? देखिए, मैं बेटियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, मेरे यहाँ जितने डिग्री कॉलेजेस हैं बेटियों के लिए मैं सब जगह 10-10 कंप्यूटर देके डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित कर रहा हूँ। मेरा मानना है बेटियों को शिक्षा के सारे संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, जो भी किताबें चाहिए, जो भी सामग्री चाहिए वो उपलब्ध होनी चाहिए। बुजुर्गों के लिए मैं उनको राम रथ यात्रा के द्वारा निःशुल्क उनको भव्य राम मंदिर जो इसका निर्माण हो रहा है उसके दर्शन करवा रहा हूँ। युवाओं के लिए मैंने शुरू किया है 24 तारीख से काउंसलिंग। मेरा मानना है युवाओं को ट्रेनिंग किया जाना चाहिए, क्या उन्हें पढ़ाई करनी है, कैसे कॉम्पिटिशन देना है। तो वरिष्ठ रिटायर्ड IAS IPS अधिकारी सब मिलके अब 24 तारीख से हमने शुरू किया है प्रतिमा, इसको हम काउंसलिंग करेंगे, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ के उनको आगे लेके जाएंगे। विश्वास है, समर्पण है, जनता जानती है योगी आदित्यनाथ जी, परम आदरणीय मोदी जी सभी जनता के लिए निरंतर जन कल्याणकारी योजनाएँ ला रहे हैं और उस पर अमल करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से माफिया राज, गुंडा राज, अपराधियों का राज खत्म हो चुका है। बाहर से 10 लाख करोड़ का निवेश आ रहा है, हर तरफ विकास हो रहा है, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, सड़कों का जाल बिछ चुका है, उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, परम आदरणीय मोदी जी के साथ है।